نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज सब भी दुरूद शरीफ पढ़ने इंशाल्लाह हम अपनी नशस्त का आगाज करने लगे हैं। आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेक्चर नंबर 11 है। तो हमने गुज़श्ता नशस्त में देखा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर किस तरीके से आप आए थे और वही का जो बंदिश थी यानी कि वही कुछ वक्त के लिए रुक गई थी वो किस तरीके से पेश आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उस वक्त ये। तो हमने ये सभी कुछ देखा नशिस्त में। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि वही की क्या अकसाम थी यानी कि वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती थी इसके क्या अकसाम होते थे यानी कि वो किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती। तो अब हम सिलसिला का जो बयान है इससे ज़रा हट गई यानी रिसालत और नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तफसीलात शुरू करने से पहले वही का जिक्र करना चाहते हैं यानी कि क्योंकि ये रिसालत का मस्तर और दावत की कुमक है कि वही किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और वही के क्या अक्सर होते। तो अल्लामा इब्ने खय्यिम रहमहुल्लाह ने वही के नसब इज़ैल मरातिब जिक्र किए हैं कि कुछ अकसाम बताए हैं जिसमें से सबसे पहले ये है कि सच्चा ख्वाब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही की इब्तिदा हुई इसी से हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को सच्चे ख्वाब आने लगे ना यानी कि हमने गुज़श्ता नशिस्त में भी देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ख्वाब देखते सच्चा ख्वाब तो फिर सुबह को वही होता देखते तो सच्चे ख्वाबों से वही की सबसे पहली शुरुआत हुई थी। दूसरा तो ये है कि फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दिए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रूहुल खुद्दुस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा पूरा हासिल कर ले, बस अल्लाह से डरो और तलब में तैयार करो और रिस्क की तकबीर तुम्हें इस बात पर आमदा ना करे कि तुम उसे अल्लाह की मशीयत के जरिए तलाश करो क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो उसी की इताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये आप देखेंगे कितनी खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हम सब के लिए बताई है कि कोई इंसान कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इत्तेबा अल्लाह सुभान व तआला की बातों जो अल्लाह सुभान व तआला ने हमें बताई है उस पर अमल नहीं कर ले उसके बगैर अल्लाह सुभान व तआला की रजा को हम नहीं हासिल कर सकते और कोई इंसान तब तक नहीं मर सकता जब तक अल्लाह सुभान व तआला ने उसके हक में जो रिस्क लिखा है वो उसको हासिल ना कर ले यानी कि इस दुनिया में हम जो आए हैं हम अपनी मर्जी से ना एक दिन ना एक पल रुक सकते हैं ना एक पल हम कम गुजारेंगे बल्कि जितना भी अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे लिए लिख दिया है वक्त मुकर्रर वो उतना ही हम इस दुनिया में गुजारेंगे और साथ ही हमें हमारे रिस्क में जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है यानी कि माल दौलत हमारे दोस्त अहबाब हो गए रिश्तेदार हो गए और हमारे लिए खाने की चीजें जो अल्लाह ने मुखर्रर की हैं उस पर कोई कमी पेशी नहीं आ सकती। अल्लाह सुभान व तआला ने जितने भी हमें चीजें अता करने के लिए लिख दिया है वही सब हमें मिलेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह सुभान व तआला की
जात ही है जो हमें ये सभी चीजों को देने पर कुदरत रखती है। अल्लाह के सिवा कोई हमें रिस्क नहीं दे सकता। तो यहाँ पे वही की जो दूसरी अकसाम हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या है कि फरिश्ता जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर नहीं आता, बल्कि वो बिना दिखे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथहर यानी कि दिले मुबारक पर वही के जरिए से बात को इजहार कर देता है, यानी कि वो बात आपके दिल में डाल देता है ना अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से। तो ये दूसरा तरीका या आप कह लें अकसाम है जिससे वही का नुज़ूल होता था कि आपको बिना फरिश्ता नजर आए सीधे सीधे आपके कल्बे अथहर पर वो वही के जरिए उतारा जाता था। तीसरा जो अकसाम है वो है कि फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता, फिर जो कुछ वो कहता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा रजी अल्लाह तआला भी फरिश्तों को देखते थे। जैसे आप देखें कि आप हदीस पाक का मफहूम है, हदीस पाक में आता है जिब्राइल अलैहि सलाम एक आदमी की शक्ल में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस्लाम क्या है और दीगर ऐसे सवाल करने लगे, जिसका जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में दिया है कि जो बंदा अल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उसको हम ईमान वाला और इस्लाम के दायरे में होने वाला कहेंगे। इसी तरीके से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने भी फरिश्तों को देखा आदमी की शक्ल में जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते और आपको कोई चीज सिखाया करते। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये जिसको तुमने अभी देखा, जिसने मुझसे सवाल किया, ये कोई और नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहि सलाम थे। तो ये वही का या आपके अकसाम तीसरा है कि फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते, फिर जो कुछ भी वो कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर लेते। तो इस सूरत में क्या होता कि कभी कभी सहाबा रजी अल्लाह तआला को भी फरिश्ते देखने को मिल जाते इंसानी शक्ल में। चौथी अकसाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही वही घंटी के टनटनानी की तरह आती थी, यानी कि जिस तरह घंटी को टनटनाहट होती वही की ये सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और वही आती तो सख्त जाड़े के जमाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना बहुत फूट फूट कर आने लगता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार होते तो वो जमीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वही आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला की रान पर थी, तो उन पर इस कदर गिरान भार हुआ कि मालूम होता था कि रान कुचल दी गई। तो आप समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आने का ये चौथा तरीका था। इसमें जिस तरीके से आप कहें घंटी की ठनठनाहट होती है, जिस तरह आप समझने के एतबार से नोटिफिकेशन समझ लें, जैसे नोटिफिकेशन अलार्म करके नोटिफाई होते हैं, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही का ये तरीका सबसे आप कहें भारी होता था। क्योंकि जब शदीद ठंडक भी पड़ी होती, सर्दी होती, तब भी जब वही का इस तरीके से नुज़ूल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता मिलता और वही आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे जाड़ा क्यों ना चढ़ा हो, मतलब यानी कि मौसम इतना ठंडा क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पे पसीना आ जाता और अगर आप ऊँटनी पर सवार होते तो ऊँटनी बैठ जाती, यानी कि इतना वजन महसूस होता उसको कि वो आगे बढ़ नहीं पाती और बैठ जाती। इसी तरीके से फरमाया गया है कि एक बार वही जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक जो है वो हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला की रान मुबारक पर थी।
तो जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला को ऐसे महसूस हुआ कि उनकी रान को कुचल दिया गया। तो आप समझिए कि आयतों का बोझ यानी कि कुरान पाक की जो आयतें हैं उनका वजन इतना भारी होता है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अतहर पर उतरे, कि बताया जाता है कि अगर कोई पहाड़ पर भी अल्लाह सुब्हान व तआला इन आयतों को नाजिल फरमाते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है, यानी कि टूट कर बिखर जाता। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अतहर को इतना अनवार अता किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बोझ को उठा पाते। लेकिन उनके साथ वाले जो होते, जैसे ऊँटनी मैंने कह दी कि अगर आप ऊँटनी पर सवार होते तो ऊँटनी बैठ जाती, तो वो बोझ वो नहीं उठा पाते, इस वजह से वो बैठ जाते। जैसे जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला को ऐसे महसूस हुआ, इतना बोझ महसूस हुआ अपनी रान पर कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो रान जो है कुचल दी गई है। तो इससे पता ये चला कि अल्लाह सुबहान व तआला जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नुज़ूल फरमाते तो वही जो होती उसका बोझ इतना होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आ जाता और वो काफी भारी होती। ये चौथी अकसाम थी जिसमें फरिश्ता आपसे मिलता था और वही आती, लेकिन वही के आसार किस तरीके से होते कि उसका बोझ इतना होता कि आपके पसीना मुबारक आपके चेहरे पे आ जाता, यानी कि पेशानी पे आ जाता। तो ये वही की पांचवी सॉरी फोर्थ टाइप था, फोर्थ अकसाम थी। पांचवी जो है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे और उसी हालत में वो अल्लाह ताला की हज़्बे मशीहत आपकी तरफ वही करता था। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो मर्तबा पेश आई जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। तो यहाँ पे बताया गया कि पांचवे अकसाम जो है वही की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसी शक्ल में देखते हैं जिस शक्ल में अल्लाह सुबहाना व तआला ने उनको पैदा किया है, और अल्लाह सुबहाना व तआला की रजामंदी से वो फरिश्ते उसी शक्ल में आपको दिखते हैं और उसी शक्ल में अल्लाह ने जो भी उनको कलाम देकर भेजा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। तो ये सूरत जो है ये तो इस तरीके से वही दो दफा नाजिल हुई है जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह नजम में किया है। जैसे हमने पढ़ा था ना इकरा में भी जो हमने देखा था कि जब सबसे पहली वही नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को अपनी असली शक्ल में ही देखा था। तो ये वही की पांच हो गई कि वही जब नजूल वही का नजूल होता तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जो ले आते वो अपनी असली शक्ल में होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख पाते। अगली अकसाम ये है कि वो वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात नमाज की फर्जियत वगैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने उस वक्त फरमाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर थे। तो ये उस वही की अकसाम है जहाँ पे हमें नमाज का मुबारक तोहफा मिला। तो मेराज का जो वाकया पेश आया अल्लाह सुबहाना व तआला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता फरमाया। तो ये भी वही का एक अकसाम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में आसमानों पर तशरीफ ले गए थे तो आप ने अल्लाह सुब्हान व तआला के पास से इस तोहफे को पाया कि हमें नमाज की फर्जियत का तोहफा मिला ना कि नमाज मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस वही का नजूल हुआ यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर थे। तो ये वही की छठी अकसाम हो गई। सातवीं ये है कि फरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजाब में रहकर बराहे रास्त गुफ्तगू, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से गुफ्तगू फरमाई थी, वही की ये सूरत मूसा अलैहि सलाम के लिए ना से कुरानी से खतई तौर पर साबित है
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका सबूत कुरान के बजाय मिराज की हदीस में है। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मूसा अलैहि सलाम को हितूर पर जाते अल्लाह सुबहाना व तआला से हम कलाम होते हैं ना, तो अल्लाह सुबहाना व तआला एक पर्दे में है कि मतलब वो डायरेक्टली अल्लाह सुबहाना व तआला को नहीं देख पाते थे ना। जब उन्होंने अल्लाह सुबहाना व तआला से फरमाया था कि वो आपको देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि मैं अगर पर्दा हटा दूं और तजल्ली दिखा दूं तो फिर ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। तो अल्लाह सुबहाना व तआला ने जब उसका एक हिस्सा दिखाया तो आप बेहोश हो गए, आप नहीं देख पाए। तो बताए यहाँ पर ये जा रहा है कि फरिश्तों के बगैर अल्लाह सुबहाना व तआला अपने हिजाब में यानी कि जो पढ़ता है उसको रखते हुए बराह रास्त गुफ्तगु फरमाते हैं। तो जिस तरीके से मूसा अलैहि सलाम से भी अल्लाह सुबहाना व तआला ने हम कलाम किया, उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुबहाना व तआला हम कलाम होते थे। तो इसकी हमें सबूत जो है वो मिलती है कुरान के बजाय मिराज के जो हदीसें हैं उसमें मिलती है। बाज लोगों ने एक आठवीं शक्ल भी इजाफा किया है, यानी अल्लाह ताला रू दरू बगैर हिजाब के गुफ्तगु करे, यानी कि जो पर्दे अल्लाह सुबहान व ताला ने अपने और बंदों के बीच में हायल किए हैं, अल्लाह सुबहान ताला इसको हटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगु की है मिराज के वाक़े पे। लेकिन ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में सलफ से लेकर खलफ तक इख्तिलाफ चला आया है, यानी कि ये जो आठवीं अकसाम है अल्लाह सुबहाना तआला के सारे पर्दे हटकर अल्लाह से हम कलाम होने का, इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। तो ये हो गई हमारी आप कह लें 7 किस्में। आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए क्या है। सबसे पहली क्या थी? सबसे पहली तो सच्चे ख्वाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आने लगे। दूसरी वही की अकसाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ता दिखलाए बगैर यानी दिखाई दिए बगैर आपके दिल में वो पाट डाल देता या बात नहीं देता। तीसरी शक्ल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते जो होते वो आदमी की शक्ल में आते, आपसे सवाल करते, आपको मुखातिब करते और आपको बताते जो भी अल्लाह ने उनके ऊपर कलाम भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलाम को याद कर लेते, और इस शक्ल में होता है कि सहाबा भी फरिश्ते की शक्ल में फरिश्तों को देख लेते। और चौथी वही का सिलसिला जो हमने देखा वो ये था कि फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और वही आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आ जाता था, उसका बोझ इतना होता था कि अगर ऊंटनी पर सवार होते तो ऊंटनी भी बैठ जाती। ये वही की चौथी अकसाम थी। पांचवी अकसाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को उसकी पैदाइशी शक्ल में, जैसे अल्लाह सुबहान व तआला ने फरिश्तों को बनाया है, उस सच्ची शक्ल में जो उसकी असली हालत है उसमें देखते, और वो अल्लाह की सुबहान व तआला की तरफ से जो भी कलाम लेकर आते वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर देते। ये वही की पांचवी अकसाम थी। छठी अकसाम तो वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिला और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आसमान पर मौजूद थे अल्लाह के साथ हम कलाम थे। सातवीं जो अहसाम फरमाई है कि अल्लाह अपने पर्दे में रहकर यानी कि बंदे और अल्लाह के दरमियान जो अल्लाह के पर्दे है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अपने आप को हिजाब में रखा है यानी कि पर्दों में रखा है, वो बराह रास्त गुफ्तगु फरमाते ना, जिस तरह मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह सुब्हान व तआला हम कलाम होते, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हम कलाम होने का सबूत मिलता है मेराज की हदीसों में। लेकिन एक आठवीं किस्म जो हमने अभी देखी कि वो ये है कि बाज लोगों के नजदीक ऐसा भी माना जाता है, लेकिन इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बिना कोई पर्दे के हम कलाम हुए, तो इसमें इख्तलाफ है। लेकिन हमें इन इख्तलाफात पे नहीं पढ़ना चाहिए। ये सभी अकसाम मैंने आपके सामने खोल के बयान कर दिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक के पास वही जब आती तो उसके क्या क्या अलग अलग अकसाम होते, किस किस तरीके से वो आती है। तो पहली और आठवीं सूरत का बयान असल में असल
इबारत के अंदर थोड़ी तखलीस कर दी गई है, यानी कि ये जो पहली वाली जो अकसाम है यानी कि सच्चे ख्वाब, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ख्वाबों की ताबीर हो गई, और आठवीं सूरत में अख्तलाफ है, तो इसमें हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें चाहिए कि हम इन सभी चीजों को जान ले ताकि हमें पता रहे कि वही किस किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। चलिए अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला बाब अगला जो है उसको शुरू करते हैं। तो अब तक के सिलसिले में हमने बहुत अच्छे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का दौर देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के क्या हालात थे, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, फिर आपका बचपना हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका वक्त, फिर आपके दूध शरीफ भाइयों के बारे में बहनों के बारे में हमने देखा पढ़ा, फिर हम आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक के बारे में हमने देखा कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह किस तरीके से हुआ, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस की हो गई तो फिर किस तरीके से वही का नुज़ूल शुरू हुआ, और फिर वही आई, फिर बंदिश किस तरीके से हुई, और फिर बंदिश के बाद जब दोबारा वही का सिलसिला हुआ तो कैसा हुआ, और फिर हमने ये भी देखा कि वही की क्या अलग अलग अकसाम है। यहाँ तक सीरत का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब हम यहाँ से उस हिस्से पर चलेंगे जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग शुरू कर दी, यानी कि जो सच्चा कलाम आपके ऊपर अल्लाह सुबहान तआला ने भेजा था आपको देकर, उसको लोगों में समझाना और बांटना शुरू किया। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से तबलीग का हुक्म आया और उसके मुजम्मरात क्या हुए। तो सूरह अल मुद्दसर की इब्तिदाई आयत यानी कि या अय्युहल मुद्दसर कुम फअंजिर वलिरब्बिका फसबिर वसियाबका फतहिर वर्रज फहजुर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादे हैं लेकिन हकीकतन बड़े दूरराज मकसद पर मुश्तमिल हैं और हकायक पर उनके गहरे असरात मुरतब होते हैं। चुनाचे सबसे पहली चीज ये है कि इंतजार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो उसे उसके पुरखतर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह के अजाब इलाही से खौफ से उसके दिलो दिमाग में हलचल और उथल पुथल मच जाए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सच्चा कलाम अल्लाह सुभान व तआला ने देकर भेजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम में ये बात फैलानी थी कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है और जो भी होता है अल्लाह ही की मर्जी के खिलाफ नहीं होता बल्कि अल्लाह ही की मर्जी से होता है, और जो भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई अमल करता है तो वो अजाब इलाही में मुबतला हो जाता है और उसको इस तरीके का अजाब दिया जाएगा कि वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो कुफार मुशरिकीन जो होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुतपरस्ती से रोकते ना और बताते कि बुतपरस्ती तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाली है, तो आगाह करने का अल्लाह सुभान व तआला ने हुक्म दिया था कि जितने भी नबी गुजरे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनसे पहले के नबी गुजरे, जितने भी नबी और रसूल गुजरे सभी की यही दावत थी आम और खास की अल्लाह ही की इबादत करें, वहदानियत पे उनका जोर होता कि अल्लाह ही की इबादत करें, और वो जो कलाम वो लेकर आते या अल्लाह ने जो उनके ऊपर कलाम नाजिल किया होता उससे वो उनको आगाह करती है कि अल्लाह की तरफ लौट चलो क्योंकि करने वाली जात वही है और उसी के पास तुम्हें लौट चलना है। अगर वो बंदे इसका हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर उनके लिए जो दर्दनाक अजाब है, ये नबी और रसूल जो गुजरे सभी उनको इस चीज से आगाह करती है कि तुम अगर नेक आमाल करके अल्लाह की पनाह में नहीं आओगे तो फिर अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से तुम पर अजाब उतरेगा और अल्लाह सुबहान तआला तुमको जहन्नम की आग में डाल देंगे। इस चीज से वो आगाह करते थे। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी चीज जो इब्तदाई आयत जो है सूरह मुद्दसर की,
उसमें ये भी मिलता है कि रब की बड़ाई व किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रूए जमीन पर किसी और की किबरियाई बरकरार न रहने दी जाए, बल्कि उसकी शौकत ताकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रूए जमीन पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बाकी रहे। तो हमने देखा, हमने हदीसों का मुताला किया, तो पता ये चला कि कयामत का दिन जब होगा ना, तो जो सारे फरिश्ते हैं अल्लाह सुबहान व तआला, उनको भी मौत आ जाएगी, वो भी खत्म हो जाएंगे, हत्ता के जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं इजराइल अलैहि सलाम, वो भी उनको भी मौत आ जाएगी। अल्लाह सुबहान व तआला उस दिन फरमाएंगे कि है कोई जो बाकी है, किसकी बादशाही है? तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की बादशाही है और अल्लाह ही बाकी रहने वाला है। तो बताया ही गया कि बड़ाई, रब की बड़ाई और किबरियाई जो है वही रूए जमीन पर बाकी रहने वाली है। इसके अलावा किसी और की अगर किबरियाई और बड़ाई को हम कर रहे हैं, जैसे बुत परस्तों की वो करते थे, बुत परस्त जो थे वो उनकी बड़ाई और किबरियाई बयान करते थे, तो उनको मुखातिब करके बताया जा रहा है कि ऐसी जो भी ताकतें हैं उनको तोड़ दी जाए, तो उनसे मना कर दिया ना अल्लाह ने कि ये बुत परस्ती अल्लाह को खुदा ही ना पसंद है, शिर्क अल्लाह को बहुत नापसंदीदा चीज है। यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सोचना कि इस चीज से भी मेरा काम बन जाएगा, इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, या ये मेरी मदद कर देगा तो मेरा काम बन जाएगा, ये भी गोया शिर्क है। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि असबाब को अपना असली मकसद ना समझें। कि जैसे आप, मैं हमेशा समझने के लिए कहती हूँ कि अगर हम दवाई भी खा रहे हैं तो हमें अगर शिफा मिल रही है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये दवा खाने की वजह से शिफा मिली। दवा जाहिरी असबाब है जो आपने इख्तियार किया, उसमें शिफा देना ना देना ये अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह का अमर है। तो अल्लाह ने अगर उसमें शिफा रखी, तभी वो दवा आपके ऊपर असर करेगी और आप उससे शिफा मिल सकती है। इसके बरक्स अगर अल्लाह ने ये चाहा कि आपको शिफा ना मिले, तो आप कितनी ही दवाइयां क्यों ना खा लें, आपको शिफा नहीं मिल सकती, क्योंकि बजाहिर दवाई में कोई शिफा नहीं है, शिफा देने वाली जात अल्लाह ही की है। तो यहाँ पता ये चला कि जो भी बातिलाना ताकतें हैं उसको अल्लाह ने मना कर दिया और फरमा दिया कि उनको तोड़ दिया जाए और अल्लाह सुबहान व तआला ही की बड़ाई जो है वो बाकी रहे। तीसरा अहम अहकाम आप कह लें जो अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह मुद्दस्सिर में फरमाया है, वो ये है कि कपड़े की पाकी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि जाहिर व बातिन की पाकी और तमाम सवाब अलवास से नफ्स की सफाई के सिलसिले में इस हद कमाल को पहुंच जाए जो अल्लाह की रहमत से घने साए में उसकी हिफाजत और निगहदाश्त और हिदायत और नूर के तहत मुमकिन है। यहाँ तक कि इंसानी मुआशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तमाम सलीम खींचते चले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और अजमत का एहसास दिलों को हो जाए और इस तरह सारी दुनिया मवाफकत या मुखालिफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुर्तकिज हो जाए। यानी कि इस वाली आयत में आप कहें कि जो तीसरा अहकाम जिसके बारे में पढ़ रहे थे, वो ये है कि कपड़े कपड़े की पाकी और गंदगी दूरी के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यानी कि अल्लाह सुबहान व तआला जो है पाक और साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो हमें पाकी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन की जो बुनियाद है
वो तहारत और पाकीज से है ना, पाकीज की यानी कि आप अपनी तहारत को किस तरीके से उसको हमारे दीन में बताया कि तहारत की क्या अहमियत है ना, इंसान को पाकीजगी इन तहारत ही से मिलती है, और इंसान को पाकीजगी इंसान के कपड़ों को पाकीजगी उसके ऊपर लगे मैल को हटाने गंदगी को हटाने से मिलती है ना। इसी तरीके से हमारी जाहिर व बातिन दिल में हमारे नफ्स की जो सफाई के सिलसिले में हमें चाहिए कि हम अपने कलबों को अपने दिलों को हर किस्म की बुराइयों से पाक करने वाले बने ताकि हम अल्लाह की रहमत के घने साए में आ जाएं और हम माशरे में एक ऐसा नमूना बन जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है, हम अगर ऐसे बनना चाहते कि अपने जाहिर और बातिन को पाक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और नबी अल्लाह सुबहाना मुताला की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलें और आपकी तरफ तमाम जो है कल्बे सलीम खींचते चले जाएंगे। कब हो सकता है? जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अख्तियार करने वाले बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो एहसास था तमाम कज दिलों को हो जाए, यानी कि जो हम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त उम्मत की फिक्र होती थी ना, इसी तरीके से आज हमारे उलमा किराम को भी है, जो सच्चे और पक्के और बड़े उलमा किराम है वो हमेशा उम्मत के बारे में सोचते होते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हमें भी चाहिए कि हम भी हम जो उम्मत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जो उम्मत की फिक्र लगी होती, इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम खुद भी अच्छे बने और हमें दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए दीन और इस्लाम की और ईमान की। तो ये कब हो सकता है? मुमकिन तभी मुमकिन है जब हम खुद भी अच्छे बने और फिर हम दूसरों को भी अच्छे बनाने की कोशिश करें। तो ये तीसरा आप कहें कि ये अहकाम जो था वो ये था। चौथा अहम जो सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयत में आया है वो ये है कि एहसान करके उस पर कसर रखना चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जद्दोजहद और कारनामों को बढ़ाई और अहमियत न दें बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जुड़ो मशक्कत जोहद और मशक्कत करके उससे मना में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने जवाबदेही का एहसास अपने अपने दिल में इस तरीके से पैदा करे कि एहसास आपके दिल में गालिब रहे। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पर ये फरमा दिया कि किसी के साथ अगर हम एहसान करते हैं तो हमें उसको जताना नहीं चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कोई किसी की मदद कर देता है, किसी पर कोई एहसान करता है तो फिर वो जताने लगता है कि मैंने तुम्हारी इस तरीके से मदद की है, लोगों के सामने उसको जलील करने लगता है। तो इस चीज से अल्लाह सुबहान व तआला ने मना फरमाया है और अल्लाह सुबहान व तआला ने ये फरमाया है कि अगर तुम नेकी के कामों में एक मतलब बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हें चाहिए कि एक ही के बाद रुक ना जाओ बल्कि एक के बाद एक अच्छे कामों में आगे बढ़ते जाओ। और ये भी फरमाया है कि जो भी काम नेक तुम कर रहे हो उसकी निस्बत खुद को ना दो, मतलब यानी कि आप ये ना कहो कि ये मेरी वजह से हुआ या मैंने ऐसे किया, मैं इस वजह से हो सका क्योंकि मैंने चाहा, बल्कि इसकी निस्बत हमेशा अल्लाह से जोड़ो कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह की मदद और नुसरत से हुआ, अल्लाह के रहम करम से हुआ। तो अल्लाह की याद को हमेशा अपने जहनों में दिल में हमेशा जारी और सारी रखा जाए कि अल्लाह ही की जात है जो हर चीज पर कुदरत रखने वाली है और हमें अल्लाह सुभान व तआला के सामने जवाब देना है ना, कि हम अगर इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा करें कि हमें अल्लाह सुभान व तआला के सामने हमारे किए हुए आमाल का हिसाब देना है तो फिर हमारे लिए ये चीज आसान हो जाती है कि हम दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे।
हमें पता होगा कि हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो कल के दिन मुझे इसका हिसाब अल्लाह के पास देना है। जब ये जवाबदेही का एहसास अपने दिलों में पैदा हो जाएगा, गालिब हो जाएगा ना, तो फिर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने में कामयाब होंगे। तो ये चौथी चीज है जो फरमाई गई। आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद मुनादीन की जानिब से मुखालिफत, इस्तेजा, हंसी और टट्टे की शक्लों में इजा रसानी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने वाले अहले अमान को नेस्त नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब से साबिका पेश आएगा। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पामर्दी और पुख्तगी से सब्र करना होगा। वो भी इसलिए नहीं कि इस सब्र के बदले किसी हज़्न नफ़सानी के उसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्जी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए। वली रब्बिका फसबिर जो आयत है इसमें बयान किया गया है कि अल्लाह सुबहान तआला की तरफ जो है दावत का काम जो है वो शुरू कर दे, और जब आप दावत का काम शुरू करेंगे आपको और आपके साथियों को बहुत सी मुखालिफतों का सामना करना पड़ेगा। हत्ता कि यहाँ तक भी होगा कि वो आप पर हंसेंगे, ताने ला देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको झूठा कहेंगे, और हद तो ये भी हो जाएगी कि आपको और आपके साथियों को वो कत्ल करने के इरादों से भी जुड़ेंगे और कत्ल करने के इरादे बनाएंगे और कत्ल करना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रहने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप सब्र करें, इसलिए नहीं कि आपकी नफ्स को यानी कि आपके हज़्न नफ्सानी का हुसूल की तवक्को में नहीं, बल्कि महज अपने रब की मर्जी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप दीन पर साबित कदम रहें और जो कलाम आपको दिया जा रहा है इसकी दावत और तबलीग आप करते रहा करें, बजुस इसके कि ये लोग आपको कितना ही बुरा भला क्यों ना कहें, लेकिन आप अपने जो दीन हक की बात और जो पैगाम है इसको कहने से ना रुकें। अल्लाह हू अकबर। ये अहकाम अपने जाहिरी शक्ल में कितने सादे और मुख्तसर हैं, और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसुकून और पुरकशिश नगमी के लिए हुई है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाअज़मत और कितने सख्त हैं, और उनके नतीजे में कितनी सख्त चौमुखी अंधी बपा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक दूसरे से गुट कर रख देगी। यानी कि आप देखें कि इन छोटी छोटी आयतों में अगर आप सूरह मुदस्सिर की आयतों का मुताला करेंगे तो शुरू सूरह मुदस्सिर की इब्तदाई आयतें छोटी छोटी आयतें हैं, लेकिन अगर आप उसको माने के अंदाज से और उसकी तफसीर पढ़ें और उसमें क्या अहकाम बताए जा रहे हैं उसको उसकी तफसील को देखें तो वो आपको बहुत वजाहत के साथ मिलेगी कि ये दिखने में जी छोटी छोटी आयतें जो हैं ये सुनने और पढ़ने के एतबार से इतनी पुरसुकून है और इतनी छोटी है, लेकिन अहकाम के एतबार से वो इतनी भारी और बाअज़मत है कि ये छोटी छोटी चीजों के अहकाम, छोटी छोटी आयतों के जरिए अल्लाह ने बड़े बड़े चीजों को वजाहत के साथ बयान फरमा दिया, और ये भी फरमा दिया कि ये जो आयतें हैं इनको अगर आप मुकुन देखें तो ये ऐसी आयतें हैं और ऐसी इसकी वजाहत है कि ये सारे आलम को हिला कर रख देने वाली है। यानी कि ऐसी बातों का अल्लाह ने जिक्र किया है कि इस पर अमल आवरे हर किसी को होना ही है दुनिया के हर हिस्से में। तो ये ऐसी आई थिंक थी कि ये जो कुफार मुशरिकीन थे, बुत परस्त थे, इनको हिला कर रख देने वाली थी। इन्हीं मस्कुरा आयत में दावत तबलीग का मवाड़ भी मौजूद है। इंजार का मतलब ही ये है कि बनी आदम
के कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो उनके सारे आमाल का बदला दिया जाता है और ना दिया जा सकता है। इसलिए इंतजार का एक तकाजा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यानी कि यहाँ पे जो है कयामत का जिक्र है कि दुनिया में हमें हर हर जो काम हम कर रहे हैं हर चीज का बदला दुनिया ही में नहीं मिलने वाला ना। हमारा ये यकीन है, हमारा ये अकीदा है कि हमें अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने दोबारा उठ कर जाना है और अपने जो भी हमने काम किए चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो इसका हिसाब अल्लाह सुब्हान व तआला के पास देना है और अल्लाह सुब्हान व तआला को इसके हम जवाब दें है ना। तो इस ये भी बात हमें वजाहत के साथ मालूम हुई यहाँ पर कि हर चीज का हिसाब दुनिया ही में नहीं होगा बल्कि एक ऐसा भी दिन होगा जो कयामत का दिन होगा जहाँ पे हमारे हर आमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जाएगा। यही कयामत का दिन है यानी कि जजा का दिन और बदले का दिन है, जजा और सजा का दिन है, जहाँ पर अगर आपने सब्र इख्तियार किया, जहाँ पर आपने अपनी मुश्किलात पर सब्र किया तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सुब्हान व तआला आपको उसका अजर देगा। और अगर आप दुनिया में बहुत ज्यादा तकब्बुर के साथ रहे और बुत परस्ती में रहे और अल्लाह की नाफरमानी में रहे तो फिर उस दिन आपको पूरा का पूरा बदला मिलेगा यानी कि आपको सजा मिलेगी आपके उन आमाल के लिए जो आपने दुनिया में किए होंगे। फिर उस दिन बदला दिया जाने का लाजमी तकाजा है कि हम दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसके अलावा भी एक जिंदगी हो। तो आप देखें कि बताया और सारी मेहनतें हमारा जुड़ना सुनना पढ़ना ही इसीलिए है क्योंकि हमें बताया ये गया कि ये जो दुनियावी जिंदगी है ये उस जिंदगी का आप कह लें कोई नमूना ही नहीं है। हमेशा हमेशा की जिंदगी वो है जो हमें कयामत के दिन कलाम अल्लाह के पास जो हमारे आमाल का हिसाब होगा इसके बाद जो जिंदगी है मतलब जो आपके फैसला हो गया ना, जैसे कि अगर आप अल्लाह के पास आपका ये फैसला हुआ कि आप जन्नती हो गए तो फिर कोई गम ना होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन हमारी ये दुनियावी जिंदगी जो है वो एक ना एक दिन खत्म होनी है, लेकिन हम इस बात को भुला बैठे हैं कि हमें एक दिन अल्लाह के पास वापस जाना है, अल्लाह को हमारे आमाल का हिसाब देना है। इसको हम भुला बैठे हैं, हम ये समझ बैठे हैं कि ये बस हमारी दुनियावी जिंदगी 24 घंटे हमारी मेहनतें हमारी जिंदगी इसको बेहतर बनाने में बनाने में बनाने में लग जाती। आप देखें हमने कितने ऐसे लोगों के तजुर्बात नहीं देखे या कितने ऐसे लोगों के वाकयात नहीं सुने जो जिंदगी भर एक जाती घर बनाने के लिए कमाते रहे और जब वो घर बन भी गया वो इंतकाल कर गए, वो उसमें रह ही नहीं सके। तो आप सोचें कि जिंदगी भर जो उसने मेहनत की क्या उसको उसका सिला मिला? नहीं मिला। तो बताया ये गया कि आप दुनिया की मोहब्बत दुनिया ही के वास्ते अगर अपनी सारी सारी दिन सारी सारी रात या जो भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है आप सिर्फ इसी निस्बत से गुजार रहे हैं कि मेरी दुनिया संवर जाए मेरी दुनिया संवर जाए, तो याद रखें कि ये दुनिया दुनिया ही है, ये एक दिन फानी है, ये एक दिन खत्म होने वाली है, इसको हमेशा हमेशा बाकी रहना नहीं है। लेकिन वो जिंदगी जो हमें मरकर मरने के बाद वाली जो हमारी जिंदगी है वो हमेशा हमेशा रहने वाली है और उसके लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। हमने दुनिया में देखा कि अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते तब तक वो चीज आपको हासिल नहीं होती। इसी तरीके से हमें अगर जन्नत चाहिए तो हमें जन्नत के लिए भी तो मेहनत करनी होगी, हमें नेक आमाल करनी होंगे, हर उस अच्छी चीज को सीखना होगा जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है, हर उस चीज से बचने की कोशिश करनी होगी जिससे अल्लाह सुभान व तआला ने हमें मना फरमाया है। तो ये बिना मेहनत किए बिना कोई अपनी तरफ से कदम उठाए कि मैं अच्छा बनूं या अच्छी बनूं
ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तजुर्बा कर चुके हैं कि अगर आप कोई चीज को हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए अपने जान और माल को लगाना होगा, यानी कि यू हैव टू पुट इन योर टाइम एंड एफर्ट्स विच इज गोइंग टू पे यू ऑफ एट द एंड. तो विदाउट पेइंग अटेंशन, विदाउट पेइंग पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आप बिल्कुल ही कुछ भी हासिल नहीं कर सकते दुनिया के एतबार से. जब आप दुनिया ही के एतबार से कोई चीज हासिल नहीं कर सकते जो फानी दुनिया है, तो आप सोचिए कि कयामत के बाद वाली जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, क्या वो मुफ्त में मिल जाएगी? क्या हम ये नहीं कहते कि नहीं मिल सकती, अगर अल्लाह का फजलो करम आप पर हुआ, अल्लाह की मर्जी रही, अल्लाह की मर्जी शामिल हाल रही, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप बिना कुछ किए भी जन्नत में चले जाएं. लेकिन अल्लाह ने हमें ये फरमाया है कि इस गुमान में न रहो कि अल्लाह गफूर और रहीम है और गुनाह करते जाओ. बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है, लेकिन अल्लाह ने जब हमें दुनिया में सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमें अमल करने का इख्तियार दिया है, तो फिर अल्लाह हमें दुनिया में भेजे ही इसलिए है कि हम अल्लाह की बंदगी करने वाले बने. तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों को बदले ताकि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें जब हम अल्लाह के पास पेश होंगे. बाकी आयत में बंदों से ये मुतालिबा किया गया है कि वो तौहीद खालिस इख्तियार करें, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्जी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्जी को तज दें. इस तरह दावत तबलीग के मवाद का खुलासा ये हुआ कि सबसे पहली जो चीज है वो है तौहीद, यानी कि अल्लाह ही की जात पर एतमाद रखना. दूसरी है योम आखिरत पर ईमान, यानी कि कयामत का दिन, यानी कि एक दिन अल्लाह के नजदीक है ऐसा दिन जब हम सब अल्लाह के पास पेश किए जाएंगे और हमारे आमाल का हिसाब व किताब किया जाएगा. तीसरी अहम चीज जिसके बारे में हमें पता चला है वो है तस्किए नफ्स की अहमियत, यानी अंजाम के बाद तक ले जाने वाले गंदे और फहश कामों से परहेज और फजाइल और कलामात और फजाइल और कमालात और आमाल आखिर पर कारबूंद होने की कोशिश. अगली जो चीज जिसके बारे में बताया जा रहा है वो है अपने सारे मामलात की अल्लाह को हवालगी और सुपुर्दगी, यानी कि अल्लाह ही के सुपुर्द आपने हर काम करना है. फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअज़मत क़यादत और रुशद व हिदायत से लबरेज फरमोदात की रोशनी में अंजाम दिया जाए. यानी कि जैसे मैंने बताया कि हम अगर कामयाबी पाना चाहते हैं और अल्लाह के नजदीक होना चाहते हैं तो उसकी शक्ल ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके को अपनी जिंदगी में अपना लें. तो इसी से हमें कामयाबी मिल सकती है कि हम हर वो अमल करने वाले बन सकते हैं जैसे हमें अल्लाह देखना चाहते हैं, जैसे हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के एतबार से होना चाहिए. फिर इन आयात का मतलब अल्लाह बुजुर्गो बर की आवाज में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम और जलील काम के लिए उठाने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जिहाद व कहफ और सई को मशक्कत के मैदान में आने के लिए कहा गया है, यानी कि या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंफिर, ए चादर पोश उठ उठ और डरा, यानी कि ये उन आयतों का मफहूम है. गोया ये कहा जा रहा है कि जिसे आप अपने लिए जीना है वो तो राहत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से क्या ताल्लुक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत से क्या सरोकार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून जिंदगी से क्या नस्बत, राहत बख्श साज़ो सामान से क्या वास्ता. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाएं इस कार्य अजीम के लिए. कार्य अजीम किसको बताया जा रहा है कि ये जो हिदायत का नूर था ना,
ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अल्लाह की वहदानियत का जो आलम में सारे आलम में इसको रोशन करना है कि अल्लाह ही है इबादत के लायक, वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत को जो बयान करना है उसको बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप उठ जाइए इस कार्य अजीम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतजर है, यानी कि ये काम दीन को फैलाने का काम, सच्चाई को बुलंद करने का और दीन हक को सबके सामने आया करने का काम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतजर था। इस बार गिरान के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तैयार है, उठ जाए, जद्दो मशक्कत के लिए, थकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका। नींद और राहत और ऐश आराम, तो आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में अगर हम देखें तो नबुवत का इजहार होने से पहली वाली जिंदगी आपकी, आप आगे वाली जिंदगी से अगर आप उस उन दोनों का मुताला करें तो आपको ये पता चलता है कि वो काफी हद तक राहत वाली जिंदगी थी नबुवत से पहले, नबुवत का इजहार होने से पहले, क्योंकि नबुवत के इजहार के बाद फिर मुशरिकीन, कुफार मुशरिकीन ने तकलीफ देना शुरू किया और आपकी जिंदगी में काफी दुश्वारियां पेश आई। तो ये नबुवत के इजहार के बाद वाली जिंदगी का बताया जा रहा है कि उठ जाइए जद्दोजहद और मशक्कत के लिए और थकान और मेहनत के लिए, क्योंकि जब आप इस कलाम को लेकर दूसरों के पास जाएंगे वो आप पर हंसेंगे, ताने ला देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। और फरमाया ये जा रहा है कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका, अब आज से पहम बेदारी है और तवील व पुर मशक्कत जिहाद है, उठ जाइए और इस काम के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए कि आप अपने आप को फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको अल्लाह के कलाम के लिए आगे बढ़ना है, लोगों को डराना है, हर चीज से आगाह करना है और आपको साबित कदम रहना है। ये बड़ा अजीम और पुरहेबत कलमा है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसकून घर, गरम आगोश और नरम बिस्तर से खींच कर तुंध तूफान और तेज झड़ झकड़ों के दरमियान आहट समुन्दर में फेंक दिया और लोगों के जमीर और जिंदगी के हकायक की तलाश के दरमियान ला खड़ा कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और 20 साल से जायद अरसे तक उठे रहे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली 40 बरस में और जो नबुवी दौर है यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावत व तबलीग का दौर है जिसमें दावत व तबलीग हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी रहनुमाई की, ये दौर जो है तकरीबन 20 से 23 साल का है ना आपके पर्दा फरमाने तक का, तो 20 साल से ज्यादा अरसे तक आप उठे रहे। राहत और सुकून तज दिया यानी कि छोड़ दिया, आपकी राहत वाली जिंदगी को आपने छोड़ दिया, जिंदगी अपने लिए अहलो अयाल के लिए न रही, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने घर वालों का के बारे में उतना नहीं सोचा जितना उम्मत के बारे में फिक्रमंद आप रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो उठते ही रहे, काम अल्लाह की तरफ दावत देना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कमर तोड़ बारे गिरान अपने शाने पर किसी दबाव के बगैर उठा लिया था, कि किसी का दबाव तो नहीं था ना, बजाहिर दुनियावी एतबार से कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन ये अल्लाह ही की तरफ से कलाम था और अल्लाह ही की तरफ से हुक्म था, तो फिर अल्लाह सुभान व तआला के हुक्म से और उसको पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर इस अजीम शान काम को अहमियत देते हुए अपने आप के ऊपर डाल लिया कि मुझे ये करना ही है। ये बोझ था इस रूहे जमीन पर अमानते कुबरा को बोझ, सारी इंसानियत का बोझ यानी कि सारे अकीदे का बोझ और मुख्तलिफ मैदानों में जिहाद और दिफा का बोझ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल से ज्यादा अरसे तक पयाम और हमागीर मरीका अराई में
जिंदगी बसर की, यानी कि बहुत तकलीफों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी बसर की नबूवत के इजहार के बाद, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन बहुत तकलीफें पहुंचाते हैं ना, तरह तरीके से हमने हदीस में पढ़ा है और सहाबा इकराम के वाकयात में देखा है कि किस तरीके से वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को तकलीफ पहुंचाते थे। बहुत इसकी वजाहत मिलती है कि दीन जब वो ले आते तो उनको तकलीफ, उनके ऊपर आपको यह समझें कि जैसे ही वो दीन में दाखिल हो जाते उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता। तो बताया गया है कि 20 साल से ज्यादा अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन का काम किया है और इसमें आपको बहुत सारी दुश्वारियां पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आसमानी निदाए जलील सुनी और ये गिरान भर जिम्मेदारी पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल न कर सकी, यानी कि जब अल्लाह का ये कलाम आप पर उतारा गया, अल्लाह सुब्हानहु ताला की इस तरफ से आपको बता दिया गया कि आप नबी बरहक हैं और आपको इस कलाम को सारे आलम में पहुंचाना है, तो फिर ये जो कैफियत थी, ये जो फिक्र थी, इससे गाफिल किसी और चीज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं किया। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जजा दे, आमीन। सब कहें आमीन कि हमारी ये जो जिंदगी है, हम जो आज मुसलमान हैं, ये मुमकिन ही इस वजह से हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और सहाबा इकराम ने मेहनत की हमारे ऊपर ना, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हम आज मुसलमान हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह सुब्हानहु ताला से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से और सारी इंसानियत की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। अगले सफ़ात यानी कि अगली नशस्त और अगले इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तवील और पुरमशक्क़त जिहाद का मुख्तसर सा खाका है, यानी कि हम आगे वाली नशस्त में, अगली वाली नशस्त में इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम शुरू किया और क्या हालात पेश आए और किस तरीके से कुफार मुशरिकीन ने तकलीफें दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को। इसका हम इंशाअल्लाह अगले नशस्त में मुताला करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि कल भी आप ज्वाइन करें, इंशाअल्लाह अकीदे के हवाले से हमारी क्लास होगी। आज मैंने काफी इंतजार किया लोगों का ज्वाइन करने के लिए, तो इसीलिए मैंने नशस्त को स्टार्ट काफी देर से किया, तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन इंशाअल्लाह हम कल वक्त पर स्टार्ट कर लेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप वक्त पर ज्वाइन करें और इब्तिदा से आप इसमें शामिल रहें। अल्लाह सुबहान व तआला से ये दुआ है कि हमने जो पढ़ा सुना सीखा, अल्लाह सुबहान व तआला इस पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इस जुड़ने को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इसको मग़फ़िरत का सबब बनाए, हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी अकीदे के हवाले से, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।